सो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, 5 बज गए हैं और चाय हमने पी ली है, इवनिंग टी। और बेबी 3 बजे सोई थी और अभी उठ गई है और उठ के इसे फीड करा है, फिर से सो गई। और अभी हम जा रहे हैं ओशो स्टोर, तो हमारे घर के पास ही है ओशो स्टोर। और कुछ टाइम पहले वो हम काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं वहाँ, तो ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं, देखते हैं वो खुला है या नहीं। सो चलिए चलते हैं। तो हम तीनों जा रहे हैं ओशो स्टोर, हमें काफ़ी सारी ग्रॉसरी लेनी थी। ऑनलाइन भी हमने सर्च किया बट पेंट्री में अभी अवेलेबल नहीं था, तो हमने सोचा लेके आ जाएं। सो याना ने पॉटी की थी, अब मुझे बस यही डर है कि लीक ना हो जाए, इसीलिए जल्दी अब हम घर जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे। और उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा छटपट कर रही है, एक तो पॉटी कर दिए, यहाँ देखो एक तो पौती कर दिए, उसके बाद भी इतना हिल दुल रहे हो कि लीक हो जाए, ये चाहते हो आप ऐसा चाहते हो कि पौती लीक हो जाए? ऐसे जोए हुए हैं गुनु महाराज। और ओशो स्टोर तो हम नहीं जा पाए क्योंकि वो बंद ही हो गया, तो अब कोई शॉप देखेंगे, कोई स्टोर देखेंगे जहाँ से हम ग्रोसरी लेके वेजिटेबल और फ्रूट्स लेके सीधे घर जाएंगे। अब कहीं नहीं जा पाएंगे, इन्होंने कर दिया। क्या हुआ, ये कौन है, ये कौन है भाई साहब, ये भाई साहब कौन है? इन्होंने बनाना ले लिए हैं। और नवरात्रि में फ्रूट्स के रेट थोड़े हाई हो जाते हैं और वैसे भी शायद महंगाई थोड़ी बढ़ गई ऐसा लग रहा है। ऑनलाइन मैंने दालें सर्च की थी तो एक तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी और काफी महंगी भी थी। गुनू आपको मजा आ रहा है? तो ये हरिराम एक रेस्टोरेंट खुला है यहाँ पर, यहाँ की मिठाइयाँ काफी अच्छी हैं और यहाँ पे और भी चीज काफी ज्यादा अच्छी है और सारा देसी। तो नवरात्रियाँ भी चल रही हैं तो काफी सारी चहल पहल है शॉप्स में। आज संडे है तो यहाँ पर पूरी संडे मार्केट लगी हुई है जहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, तो देखते हैं क्या प्राइसेस हैं, फिर लेते हैं। क्या लेके आए सब्जी में? सब्जी में मैं लाया हूँ आलू और प्याज। कितने रुपए किलो मिले आलू प्याज? प्याज मिल गया 20 रुपए किलो और आलू लाया मैं 1.5 किलो 25 के। अरे वाह। और मैं वाटर मेलन लाया हूँ 4 किलो। 4 किलो मतलब एक बड़ा 4 किलो का था वो। अच्छा, वो कितने का मिला? वो मिला 110 रुपीज। ओके। और अनार लाया हूँ, अनार मिल गया 80 रुपए किलो। ओके। तो मैं अनार ले आया। ग्रेप्स नहीं थे? ग्रेप्स तो महंगे हो रहे हैं इस वक्त, 150 रुपए और 120 रुपए। 150 रुपए ब्लैक वाला, 120 रुपए। हाँ, एकदम से इसके प्राइस हाई हो गए, अदरवाइज कुछ दिन पहले तो 70-80 चल रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम घर आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 6:30 का। और रास्ते में हमें ग्रोसरी के लिए काफी अच्छा स्टोर मिला था बट इसने इतना परेशान किया कि हम ले नहीं पाए। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके हम आ गए हैं और घर आके ये खुश हो गई है। और अब सबसे पहले इसने जो पॉटी कर दी थी उसको मैं क्लीन करूंगी, फिर चाय बनाऊंगी। और हस्बैंड अभी जा रहे हैं चक्की, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के मल्टीग्रेन आटा घर पे ही बनवाते हैं, मतलब रेडीमेड नहीं खरीदते हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा और जौ एंड गेहूँ और चना, इन सारी चीज़ों को मिला के मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी वो होता है। और गुनू को घर आके बहुत मज़ा आ रहा है। क्या हो गया, आपने हमको सामान क्यों नहीं लेने दिया सामान? परेशान कर देते हो मम्मा को? ये घर आके इतना खुश हो गई है पता नहीं क्यों। एंड अब मैं पहले चाय बना लेती हूँ, थोड़ी अच्छा सा लगता है शाम को चाय पी के। और इसके बाद फिर हस्बैंड आएंगे चक्की से, क्योंकि वो सामने ही आटा पिसवा के ले आते हैं। और उसके बाद हम बनाएंगे डिनर। क्या इतना खा दिया? तो चाय मैंने पी ली है, चेंज भी कर लिया, हाथ मुंह धो लिया, क्योंकि जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो मुझे एक आदत सी कि जब तक तो मैं अपना फेस नहीं वॉश करती हूँ तो मुझे बड़ी सी अनकंफर्ट सा फील होता है। एंड बेबी को फीड करा दिया और उसकी मालिश भी हो गई है एंड उसके साथ ही अब सो गई है बेबी, काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और उसके बाद अब सो गई है। एंड मैंने चाय पी ली है और अब है बर्तन,
बर्तन धोने हैं और सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, शाम का टाइम हो गया है, हस्बैंड भी टीवी देख रहे हैं। तो बर्तन धोने हैं, मैं क्या करती हूँ जब बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं ना तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है कि बर्तन कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो इसलिए मैं जैसे इतने बर्तन होते हैं ना इनको वॉश कर लेती हूँ, फिर इतने इतने ही वॉश कर लेती हूँ और इकट्ठा नहीं होने देती ज़्यादा, तो कई बार धो लेती हूँ दिन में, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कैप्सिकम और पनीर की सब्जी, तो मैंने सब कुछ काट के रख दिया है एंड हस्बैंड सिर्फ रात को सब्जी ही खाएंगे वो। इस वीडियो को मैं यहीं पे अब एंड कर लेती हूँ क्योंकि अब मुझे जल्दी से डिनर भी बनाना है, फिर बेबी उठ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर बना नहीं पाऊँगी और थक भी काफ़ी गई हूँ क्योंकि सुबह 5:30 बजे से उठी थी और दिन में से मैंने 10 मिनट की नैप ली है, तो काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। तो अब जल्दी से डिनर बनाती हूँ, डिनर करती हूँ, भूख भी मुझे लग गई है क्योंकि बेबी को फीड कराती हूँ ना तो काफ़ी भूख लग जाती है। सो बाय फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।